अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज एक वर्लपूल का फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है, इसमें डी फ्रॉस्ट का प्रॉब्लम है। देखिए ये कैसा आइस चोक हुआ है, ये देखिए इसका कनेक्टर को बाहर निकाल लेंगे आराम से, कुछ टूट फूट नहीं होना चाहिए। अब इस आइस को अपने को पहले यहाँ से निकालने का है, उसके लिए अपन पानी की मदद से आइस को पिघला के निकाल लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि साइड पे इसको छोड़ना पड़ता है कि 2 दिन 1 दिन वेट करो, लेकिन अभी हमारे पास टाइम था तो हमने रेफ्रिजरेटर को थोड़ा बाहर साइड में निकाल के इसका आइस से बाहर निकालने का सोचा। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ये दूसरी बार इसमें कंप्लेंट आया है। हमने इसके पहले एक टेक्नीशियन को भेजा था यहाँ पे, तो उनका कहना था कि यहाँ पे टाइमर, बायोमेटल, हीटर वगैरह सब वर्किंग में है, लेकिन 4 से 5 दिन बाद फिर से कंप्लेंट आ गया, तो यहाँ पे मुझे आना पड़ा। यहाँ पे चेक करते हैं, पहले तो पूरा आइस को निकाल लेंगे, इसको जल्दी जल्दी से क्लीन करने के बाद में आपको दिखाते हैं। तो हमने इसका पूरा आइस को निकाल लिया है पानी की मदद से। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का पानी है उसको एक टॉवल की मदद से पूरा सुखा लेंगे रेफ्रिजरेटर को। उसके बाद में अपन रेफ्रिजरेटर की डिफ्रॉस्ट सिस्टम की टेस्टिंग लेंगे। इसको पानी को अच्छे से क्लीन कर ली, अब अपन इसके बाद में इसका टेस्टिंग लेंगे। तो दोस्तों अब अपन रेफ्रिजरेटर की डिफ्रॉस्ट मोड की टेस्टिंग लेंगे। उसके लिए अपने को क्लेम मीटर का ज़रूरत पड़ेगा। क्लेम मीटर से अपन स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट करी, और कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने के बाद में ये देखिए बजर दे रहा है। इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट्स का चेक करेंगे। सबसे पहले ये फ्यूज़ का कनेक्टर निकालें। फ्यूज़ का कनेक्टर निकालने के बाद में इसके कंटिन्यूटी देखेंगे, इसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए, बज़र बजना चाहिए। ये लगाएं, ये देखिए ये बज़र बजा, इसका मतलब अपना फ्यूज़ जो है ये ओके है, फ्यूज़ में कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंटिन्यूटी ठीक है, इसको वापस वैसे ही लगा देंगे। उसके बाद में अपन यहाँ पे हीटर की टेस्टिंग लेंगे। ये हीटर का वो कनेक्टर निकाले, इसमें पानी की वजह से, पानी मारने की वजह से उस पर कुछ मॉइस्चर पानी आ गया, उसको साफ़ कर लीजिए पहले। ये देखिए हीटर की टेस्टिंग ली, तो इसमें भी मीटर में रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब अपना हीटर भी ओके है। और बॉडी शॉडी भी देख लीजिए, बॉडी शॉडी भी नहीं है, ये भी ओके है। तो इसको वापस से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद में अपन बायोमेटल का वायर निकालेंगे, उसको भी देख लेंगे एक बार, इसमें शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। ये देखिए इसमें भी शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब ये भी लगभग ठीक ही है। ठीक तो नहीं बोल सकते क्योंकि वर्किंग कर रहे नहीं कर रहे वो तो कूलिंग होने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद में अपन नीचे इसका जो डक्ट वगैरह रहता है वो लगाएंगे, क्योंकि इसका जो टाइमर रहता है इसी डक्ट में अपने टाइमर वगैरह लगा दिए हैं। अब इसको टेस्टिंग करेंगे डिफ्रॉस्ट मोड पे डाल के कि दिक्कत क्या हो रहा है। तो दोस्तों अब अपन इसको बायोमेटल निकाल के इसका वायर कट करके इसको आपस में शॉर्ट करके, यानी मैन्युअली जो बायोमेटल जो काम करता है उसे मैन्युअली अपन काम कराएंगे। बायोमेटल का काम आप तो पता है क्या होता है बेसिकली। उसका ये है कि जब कूलिंग मोड पे जाता है तो उसकी कंटिन्यूटी जुड़ जाती है, और कूलिंग मोड से हटता है तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो अपन वही सिस्टम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, उसके बाद चेक करते हैं।
अब इसको ध्यान से देखिए, अपन किस तरीके से इसकी एकदम 100% तरीके से टेस्टिंग लेते हैं। सबसे पहले हमने बोर्ड, पावर बोर्ड डालिए, और यहाँ पे जो इसका रिले का वायर निकाला हुआ था, इसको आइस मेल्ट करने के समय उसको बराबर लगा दीजिए। जो वायर जहाँ से निकाले वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लगाना है, इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत हो सकता है, नहीं तो कॉम्प्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, या अपना डिफ्रॉस्ट टेस्टिंग जो अपन 100% तरीके से चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए बराबर इसको जो वायर जहाँ से निकाले वहीं पे लगाइए, उसके बाद ये प्लग लिए और इसको अब पावर देंगे। सबसे पहले अपन ने ये देखिए, ये पावर ऑन किए, अभी अपना जो रेफ्रिजरेटर है वो चालू हो गया। देखिए एम्पियर शो कर रहा है, इसका मतलब अपना फ्रिज चालू हो गया है। अब इसको ओपन करके देखेंगे, देखिए अपने दरवाज़ा खोले, इसका टाइमर देखेंगे। देखिए टाइमर अभी रुका हुआ है, यानी ठीक पोजीशन पे है। वर्लपूल का सर्किट दूसरे डिज़ाइन किया हुआ रहता है, जब वो बायमेटल आपस में शॉर्ट होगा तो ही टाइमर ऑन होगा। इसको अपन देखिए, अब क्या होता है कि अपन बायमेटल शॉर्ट होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। ये जो दो वायर अपन ने बायमेटल के निकाले थे, इसको आपस में शॉर्ट कर दिए, अब ये बायमेटल समझ लो वर्किंग पे आ गया है। बायमेटल वर्किंग पे आया तो अपना जो नीचे का टाइमर है उसको भी वर्किंग पे आना चाहिए। ये देखिए, अभी ध्यान से देखिए तो रन कर रहा है, काला वाला जो चक्री है इसमें, हाँ अभी अपने को रन करते हुए दिख रहा है। इसका मतलब अपना वायरिंग ओके है और बायोमीटर ए टाइमर भी ओके है। एक बार फिर से इसको चेक करेंगे निकाल के, ये निकाल लिए। अभी इसको बंद होना चाहिए, टाइमर का मोटर को बंद होना चाहिए। ये देखिए ये अभी रुका हुआ है, मतलब ये अपना फंक्शन ओके है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, इत्मीनान जब तक का ना हो तब तक का चेक करें, एकदम 100% काम करने, भले ही अपने को साइट पे 10 मिनट 5 मिनट ज़्यादा लगे। अभी अपन करेंगे कि हीटर का जो वायर है उसमें क्लैंप मीटर लगाएंगे। अब जैसे वायरिंग की टेस्टिंग तो अपन ने ले ली, अब इसको हीटर की टेस्टिंग लेंगे। हीटर कैसा काम कर रहा है, कर बराबर है या नहीं है, हीटर चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये टेक्नीशियन का कहना ऐसा था कि हीटर तो चालू हो रहा है, तो अपन हीटर की भी टेस्टिंग लेंगे। अभी टाइमर की टेस्टिंग हो गई और वायरिंग की टेस्टिंग हो गई। ये देखिए ये हीटर, ये भी रेफ्रिजरेटर ऑन है, ये रनिंग कंडीशन पे आने के बाद में है, क्योंकि फ़ैन मोटर नहीं लगा इसलिए इसका एम्पियर कम हो गया। इस पर देखिए फ्रॉस्टिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गया है, फ्रॉस्टिंग आ रहा है, मतलब ये रेफ्रिजरेटर वर्किंग में है अभी। और जो अपन ने इसको हीटर को क्लैंप मीटर लगाए थे, वो अभी 0 एम्पियर शो कर रहे हैं, मतलब हीटर बंद, अभी कॉम्प्रेसर चालू है और बायोमेटल को शॉर्ट किए थे तो इसका टाइमर भी चालू है। अब इसको अपन यहाँ से डिफ्रॉस्ट मोड पे डालेंगे, इसको हाथ से घुमा के डालेंगे अपन, कोई पेचकस वगैरह की सहायता से स्लो स्लो घुमाएंगे इसको। पेचकस अपना थोड़ा छोटा पड़ गया था वहाँ पे, ये बड़ा पेचकस लिए और इसको धीरे धीरे घुमाएं। अब इसको तेज़ी से घुमा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक एरो बने रहता है, एरो के पास आने के बाद में इसको एकदम धीरे से घुमाएं ऑन कंडीशन में। अब ये ऑन होने के बाद क्या होना चाहिए कि हीटर बंद होने, ये टाइमर बंद होने, देखिए अभी इसको ला के रोक दिया मैंने एकदम, अब ये टाइमर घूमता हुआ दिखा और ये एम्पियर शो किया रेफ्रिजरेटर का। अभी टाइमर घूम रहा है, अभी इसको बंद करेंगे तो टाइमर बंद होना चाहिए और हीटर चालू होना चाहिए। यहाँ से बंद करने के बाद में ये कटकन से आवाज़ आई, हीटर चालू हो जाना चाहिए। अब देखिए ये टाइमर बंद हो गया, अब यहाँ पे टाइमर बंद हुआ तो ये जो करंट शो कर रही है हीटर का शो कर रही है। एक बार अपन यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेंगे, देखिए यहाँ पे भी मीटर में भी हीटर का एम्पियर शो कर रहा है। यहाँ से देखिए हीटर स्टार्ट हो गया है, अब ये धीरे धीरे रेड होगा, मतलब गर्म होके लाल होगा, तो उससे अपने को समझ में आ जाएगा कि हीटर भी 100% ओके है या नहीं है।
इसको कुछ समय तक के अपन चालू रहने देंगे और देखेंगे किस तरीके से हीटर चालू होता है, वर्क करता है। हीटर धीरे धीरे लाल हो रहा है अभी, और डिस्प्ले पे अपने किलोमीटर पे एम्पियर भी शो कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हीटर थोड़ी देर के लिए ऑन होता है और बंद हो जाता है। हीटर का स्प्रिंग जो रहता है वो हीट की वजह से ब्रेक हो जाता है। तो इसको अपन 5-10 मिनट चलाए, 5 मिनट चलाएंगे, 5 से 6 मिनट। उससे अपने को बराबर तरीके से पता चल जाएगा कि हीटर ना बीच में बंद तो नहीं हो जा रहे। देखिए इस पे गौर कीजिए, ये एक ही साइड से थोड़ा सीधे हाथ की तरफ से थोड़ा लाल दिख रहा है, बाकी उल्टे हाथ की तरफ से उतना लाल नहीं दिख रहा, जबकि इसको इधर से भी बराबर तरीके से लाल होना चाहिए था। इसको थोड़ा देर और वेट करेंगे अपन, फॉल्ट यहीं कहीं पे है। इसको इत्मीनान से काम कीजिए, भले अपने को 10-15 मिनट यहाँ पे ज़्यादा लगे, लेकिन एक बार फॉल्ट पकड़ने आने के बाद में इसको 100% अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी में क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। देखिए हीटर वन साइड से ही ज़्यादा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हीटर है वो राइट साइड से ज़्यादा लाल है और लेफ्ट साइड से नॉर्मल है। इसका मतलब कि ये हीटर 100% यानी ठीक नहीं है, चालू तो है लेकिन ये बराबर तरीके से काम नहीं कर रहे। इसे दोनों तरफ से यानी पूरा हीटर जो है एक जैसे लाल होना था, जैसे जिधर शुरू से जहाँ से लाल है वैसे आखिरी तक के बराबर तरीके से लाल होना था, तो अपन बोल सकते थे कि अपना हीटर ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अभी इसमें क्या होगा कि जिधर से ज़्यादा लाल हो रहा है सिर्फ वो साइड का आइस मेल्ट होगा और वो बायमेटल को एक्टिवेट कर, यानी बायमेटल तो एक्टिवेट रहता है, बायमेटल को फिर नॉर्मल कंडीशन पे ला देगा और हीटर बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो कॉइल के अंदर में आइस रहता है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता, इसीलिए बार बार डिफ्रॉस्ट का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर से अपन ये हीटर को ऐसा ही छोड़ देंगे, हीटर बदलेंगे नहीं, तो ये प्रॉब्लम इसका ज़िंदगी भर रहेगा, कभी सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को हीटर चेंज करना पड़ेगा। हीटर चालू है उसके बाद भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा अभी आपके यहाँ पे समझ में आ गया, क्योंकि ये पूरी तरीके से लाल नहीं हो रहा है, बस इसका यही फॉल्ट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को इसको डिफ्रॉस्ट मोड पे डाल के 6 मिनट लगभग हो चुके हैं। अपन यहाँ पे अब देख लेते हैं एक बार, अभी अपना टाइमर रुका हुआ रहना चाहिए, देखिए रुका हुआ है। एम्पियर यहाँ पे हीटर का शो कर रहा है, जो ग्रीन वाला था वो एम्पियर था और यहाँ पे भी एम्पियर शो कर रहा है, यहाँ पे भी आपको बताने के लिए लगा। देखिए अभी बायमेटल कवर अलग करेंगे तो एम्पियर 0 हो जाएगा और टाइमर जो है वो चालू होना चाहिए। देखिए अभी बायमेटल का वायर, यानी ये क्या होता है कि हीटर पूरी तरीके से बर्फ़ को मेल्ट कर दिया और बायमेटल जो है नॉर्मल कंडीशन पे आ गया, ये समझ लीजिए अपने। ये अपन नॉर्मल कंडीशन पे आ गया, देखिए ये हीटर बंद हो गया। हीटर बंद होने के बाद यहाँ पे 0 हो गया और जो अपना नीचे था टाइमर वो चालू होना चाहिए। देखिए ये चालू हो गया, इसका मतलब अपना ये फंक्शन पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और ये 0 रहना चाहिए। जो ग्रीन वाला है वो एम्पियर है, जो रेड वाला है वो वोल्टेज है। तो अब अपन यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हीटर चेंज करेंगे जल्दी जल्दी से। देखिए मैं हीटर वगैरह निकालता हूँ, आपको बताता हूँ, जल्दी जल्दी से करता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास 2 साइज़ का हीटर अवेलेबल है, जो इसके साइज़ से मैच करेगा वो हीटर हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। देखिए मैं साइज़ नाप रहा हूँ, ये साइज़ ठीक है, इसको अलग कर दो, ये इसमें अपने को लगाना है। अब इसको मैं आराम से निकाल के जल्दी से इसमें कनेक्शन वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद आपको। तो दोस्तों अब अपन यहाँ से देखिए कॉइल के पास से वो हीटर निकालने की तैयारी करेंगे। ये एकदम आराम से ये काम करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो यहाँ पे गैस लीक होने का डर रहता है। गैस लीक हो गया तो अपन काम करने कुछ आए थे काम कुछ हो जाएगा, इसलिए बहुत ही सावधानी से काम करें। अपन यहाँ पे कटर की मदद से डायरेक्ट हीटर के वायर को कट कर देंगे,
और हीटर को बाहर निकालेंगे। देखिए ये वन साइड का कट किया मैंने और ये दूसरे साइड का निकालूंगा। दूसरे साइड का भी कटर की मदद से हीटर के वायर को कट कर दूंगा। देखिए ये हीटर का वायर कट हो गया। अब हीटर को आसानी से पकड़ के बाहर निकाल लूँगा। ये देखिए ये हीटर अपना बाहर आ गया है। ये हीटर ख़राब है और ये हीटर का वायर है और आगे वो कनेक्टर है। इसका वायरिंग वगैरह से एक बार देख लेंगे अपन, कनेक्टर में से अलग कर लेंगे और वही कनेक्टर में नया हीटर जोड़ेंगे। ये हीटर का कनेक्टर निकाल लेंगे, ये बाहर निकाल लिए। अब इसको जल्दी जल्दी से यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये सिलो वगैरह बराबर जैसे तरीके से लगा था उसी तरीके से लगाएंगे। और यहाँ पे जॉइंट बहुत ही अच्छा जॉइंट रहना चाहिए जो अपना सिलो के अंदर चले जाए। ये ग्लव्स से मुझे जम रहा नहीं था इसलिए ग्लव्स निकाल दिए हमें, जॉइंट मारने परेशानी होगी। देखिए इस तरीके से जॉइंट आप मारेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये जॉइंट किस तरीके से लगाया जा रहा है, ये देखिए ये बहुत मजबूत जॉइंट रहता है दोस्तों। ये देखिए खींचने के बाद भी नहीं निकलेगा और इसके ऊपर सिलो भी आसानी से चढ़ जाएगा। लेकिन उसके पहले अपन यहाँ पे टेपिंग करेंगे। टेप जो लगाएंगे दोस्तों वो भी खींच खींच के लगाएंगे, ढीला टेप नहीं लगाएंगे। ढीला टेप लगाने से क्या होता है, उसमें चिकटपन आ जाता है और टेप छोड़ देता है। ये देखिए ये स्लू वगैरह चले गए अंदर, वन साइड का हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हीटर का दोनों कनेक्शन कर लिए हैं अपन। अब इसको जिस तरीके से निकाले थे उसी तरीके से वहाँ पे फिट कर देंगे। देखिए ये इसको यहाँ पे बिठा के आसानी से यहाँ पुश करेगी तो ये अंदर बैठ जाएगा। उसके पहले ये देखिए बैठ नहीं है, इसका जो क्लेम है वो थोड़ा छोटा है। इसको अपन बाहर हटाएंगे और पहले उसको थोड़ा सा उसका गाला बड़ा करेंगे। ये देखिए उसका गाला मुंह खुल गया, इधर से इसका भी मुंह खुला खोल देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो अपना जो ग्लास हीटर है वो फूट जाएगा। देखिए दोस्तों अभी आसानी से इसके अंदर चले जाएगा। ये दोनों साइड से बराबरी से इसको पुश करना पड़ेगा अपने को। ये देखिए ये दोनों साइड से बराबरी से पुश करेंगे, एक आवाज़ आएगा और हीटर बैठ जाएगा। देखिए ये हीटर बैठ गया। अब इसको जल्दी से अपन वायर वगैरह पूरा बराबर कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये पूरा जिस तरीके से निकाले थे उसी तरीके से इसको लगा देंगे वापस से। ये लग गया है दोस्तों इसका। अब एक बार फिर से अपन यहाँ पे इसको टेस्टिंग लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये किलोमीटर लगाएंगे अपन पहले, जैसे इसके पहले लगाए थे। किलोमीटर यहाँ गिर जा रहा है। चलिए ये हीटर का कनेक्शन लगाते हैं, हीटर का कनेक्टर। तो ये हीटर का कनेक्टर लगाए, अब इसको किलोमीटर को सेट कर लेंगे बराबर। देखिए ये सेट हो गया। अभी इसको चालू करेंगे यहाँ से, ये चालू करें। अभी 00 है, यहाँ पे टाइमर घूम रहा है, ठीक है। अभी टाइमर ऑफ पोजीशन पे इसलिए घूम रहा है। यहाँ से बायमेटल को शॉर्ट कर देंगे अपन। अभी ये 00 ये 2-3 कुछ बता रहा है, ये हमारे मीटर का एरर है, वो कोई मायने नहीं रखता, वो पॉइंट में है। अभी ये बायमेटल को मैन्युअली अपन शॉर्ट करेंगे तो हीटर चालू हो जाएगा। ये कूलिंग मोड पे आने के बाद बायमेटल कंटिन्यूटी जोड़ता है यानी शॉर्ट होता है, तो उसको अपन कूलिंग मोड का इंतज़ार ना करते हुए डायरेक्ट हाथ से जोड़ देंगे। ये चालू है, इसको ध्यान से करें। ये देखिए ये हीटर का करंट बता रहा है। ये देखिए जो एम्पियर बोलते हैं अपन, हीटर अपना चालू हो गया। नीचे ये बंद रहना चाहिए अभी। ये देखिए ये टाइमर का चक्री बंद है। अब ये अपना ग्रीन वाले पे एम्पियर शो कर रहे हैं हीटर का, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना हीटर लग गया। अब ये हीटर किस तरीके से लाल होता है
वो देखते हैं अपन। इसके पहले वाला तो आपने देखा था कि उसमें क्या फॉल्ट हो रहा था जिसकी वजह से बार बार डी फ्रॉस्ट का फॉल्ट हो रहा था। देखिए दोस्तों, इसको 4-5 मिनट चलाने के बाद में ये सब तरफ से बराबर तरीके से लाल हो गया है। तो अभी इसमें अपन इसको फिट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम अब दोबारा कभी नहीं आएगी। डी फ्रॉस्ट की प्रॉब्लम तो कभी नहीं आएगी। अच्छा, अब हम इसको अलग कर देते हैं क्योंकि अपना टेस्टिंग हो गया पूरा, जो टेस्टिंग लेना था अपने को। ये देखिए दोस्तों, ये बंद हो गया, अब अपन बंद कर देंगे। और इसको जैसा खोले थे अपन ने उस तरीके से फिट करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने को एक काम इसमें रहेगी दोस्तों, एक काम इसमें रहेगी, इसमें बायोमेटल अपन लगाएंगे। बायोमेटल जो है मुझे वर्लपूल का ओरिजिनल मिल गया था। हमारा पार्ट्स का भी शॉप है, हमारे पास सभी पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। ये वर्लपूल का है बायोमेटल जो सर्विस सेंटर में अवेलेबल रहता है। तो इसको बराबर तरीके से काट लेंगे। इसको इस कनेक्टर निकाल के सेम जैसे कि वैसे दूसरा कनेक्टर लगा देंगे बायोमेटल को। हो गया, बायोमेटल को उसकी जगह फिट कर देंगे बराबर तरीके से, और सब जैसा कि वैसा इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब अपन इसको एक बार टेस्टिंग ले लेंगे पूरा फाइनल करने से पहले, फिट करने से पहले। ये चालू किया मैंने, चालू नहीं होना चाहिए। देखिए ग्रीन वाला जो है वो 0-0 मतलब काउंटर चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी अपना जो टाइमर है वो ऑफ पोजीशन पे है। देखिए ये अभी घूम रहा है, टाइमर घूमना चाहिए ऑफ पोजिशन पे। देखिए अभी मैं इसको हाथ से घुमाऊँगा तो टाइमर बंद हो जाएगा। देखिए घुमाया, टाइमर बंद हो गया। देखो मैं फोकस कराता हूँ, दिख नहीं रहा बराबर। ये देखिए, ये इसका चक्र दिखा, ये अभी घूम रहा नहीं है। अपना कॉम्प्यूटर चालू होना चाहिए अब। ये देखिए, ये अपना कॉम्प्यूटर चालू हो गया, मतलब ये अपना फ्रिज अब बराबर तरीके से काम करेगा। जब अभी टाइमर बंद हो गया, चालू में टाइमर बंद इसीलिए हुआ क्योंकि अभी अपना जो बायोमेटल है वो एक्टिवेट होने का है। बायोमेटल एक्टिवेट होगा तो टाइमर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और वो अपना फंक्शन करने लगेगा। तो दोस्तों, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और इसको जिस तरीके से खोले थे उसी तरीके से अपन फिट कर देते हैं।